अधूरे रह गए प्यार के किस्से तमाम, अधूरे रह गए प्यार के किस्से तमाम, कट रहे थे यूं भी उम्र के हिस्से तमाम। मैं हूं संजय सिन्हा, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। खबरों की तरफ जोड़ते हैं आपको, बता दूं कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुसीबत बढ़ती जा रही है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट को एक शिकायत के बाद लॉक कर दिया गया था, अब मुसीबत आ गई है उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इस बाबत राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने एक शिकायत दी है फेसबुक को, चूंकि फेसबुक का ही की एक इकाई है इंस्टाग्राम, और इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी का अकाउंट है, और इस अकाउंट के खिलाफ एक शिकायत भेजी गई है फेसबुक को, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में 9 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ, और दुष्कर्म होने के बाद राहुल गांधी ने उसके माता पिता की तस्वीरें पोस्ट कर दी इंस्टाग्राम पर, और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसे देखते हुए सबसे पहले तो उनके ट्विटर अकाउंट को लॉक कर दिया गया था, और अब इंस्टाग्राम अकाउंट भी लॉक होने के कगार पर है। इस तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी की मुसीबत सोशल मीडिया पर बढ़ती जा रही है। देखा जाए इस शिकायत का क्या परिणाम सामने आता है और फेसबुक किस तरह का फैसला लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं, आपको और खबरों से जोड़ते हैं। हमारे पास एक खबर आ रही है पश्चिम बंगाल के सालानपुर इलाके से। आसनसोल के सालानपुर में एक गांव है राधा बल्लभपुर, और इस गांव में पेड़ काटने का सिलसिला चल रहा था। अवैध तरीके से यहाँ लकड़ियाँ काटी जा रही थी, पेड़ काटे जा रहे थे। जब गांव के लोगों ने, आसपास के लोगों ने ये देखा तो उनसे रहा नहीं गया और इसकी शिकायत कर दी वन विभाग से। वन विभाग ने तुरंत एक्शन लिया और वन विभाग के अधिकारी यहाँ पहुँचे और यहाँ से लकड़ी काटने के जो उपकरण हैं वो जब्त किए गए, और दो पेड़ों को भी जब्त किया गया। पेड़ की लकड़ियाँ काफ़ी यहाँ कॉस्टली हैं और काफ़ी कीमती लकड़ियों को, कीमती पेड़ हैं यहाँ। इन पेड़ों को काटा जा रहा था अवैध तरीके से, बगैर परमिशन लिए यहाँ काटा जा रहा था, और यहाँ के लोगों का कहना है कि काटने का सिलसिला चंद दिनों से चल रहा था, और अचानक इन लोगों ने देखा कि यहां काटने का सिलसिला रुक नहीं रहा है, और इसके खिलाफ वन विभाग को खबर दी गई और वन विभाग ने एक्शन लिया और वन विभाग के अधिकारी यहां पहुंचे और सामदी ग्राम पंचायत के राधा बल्लभपुर गांव में आकर यहां दो पेड़ों को जब्त कर लिया गया और पेड़ काटने के उपकरणों को भी जब्त किया गया। খবর বললো মানে এখানে গাছ কেটে গিয়েছে, আমরা জায়গাটা শুধিয়ে এলাম। জায়গাটা শুধিয়ে এসে দেখলাম একটা পাকুড় গাছ, একটা বট, একটা ডেমুর গাছ কাটা গিয়েছে। ভিতর দিকে দেখলাম আরো অনেকগুলো, একটা শুকনো ইউসি গাছ আছে। মোট চারটে গাছ দেখলাম, চারটে এক দুই, হ্যাঁ ওই দেখে একটা পড়ি, হ্যাঁ ওই ছোটটা চারটে। তো এই গাছগুলোকে আপনারা সিজ করছেন? সিজ করে নিয়ে অফিস নিয়ে। এটা কোন জায়গা? এটা সামনে করে আলি বলছি। अब अपराधियों की नजर मंदिरों पर पड़ने लगी है। यही वजह है कि मंदिरों में चोरी की घटनाएं घट रही हैं। रानीगंज के साहिब बांध स्थित एक लोकप्रिय मंदिर है, काली मंदिर है। इस मंदिर के प्रति लाखों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसी मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया अपराधियों ने, और इस मंदिर की दान पेटी को तोड़कर दान पेटी में रखे तमाम रुपए चोरी कर लिए गए, और यहाँ माँ काली के आभूषण रखे हुए थे, कीमती आभूषण, उन तमाम आभूषणों को भी चुरा कर ले गए अपराधी। और इसके बाद पुलिस को स्थानीय लोगों ने खबर दी, और स्थानीय लोगों के खबर देने के बाद पुलिस ने अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी, लेकिन अभी तक इस मामले में किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और पुलिस अभी तक नाकाम है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि इस मामले में पुलिस को सफलता मिलेगी और मंदिर के कीमती आभूषण वापस आ पाएंगे। একজনে বলো যে তোমার জানো তো কি ছিল না ছিল, বলো না।
সকাল বেলায় ফোন আসে 5টা নাগাদ, আমার কাকার ছেলে ফোন করে আমাকে যে এরকম মন্দিরে সকালবেলায় আমাদের পাড়ার একজন আছে, দেখেছি যে গেটটা এমনি করে ফাঁকা করা আছে, মাঝখানে ইট ঢোকানো, আর বাইরে থেকে যে দেখে বুঝতে পারে যে মায়ের নিশ্চয় কি জিনিসপত্র চুরি হয়েছে, তারপরে এসে গেট টেট খোলায় মানে সব মানে একটা ইয়ে বিষয়ে যে সন্দেহ বিষয়ে যে কী হলো এরকম করে কে করলো, তখন দেখে যে মায়ের মুকুট নেই, মায়ের সোনার জিভ নেই, মায়ের হাতে চূড় নেই, তারপরে আমাদের যে দানপেটিটা আছে সেই দানপেটিটা তালাটা ভাঙা এবং সেখান থেকে সমস্ত টাকাগুলো উদ্ধার হয়ে গেছে। তো এইসব দেখার পর আমরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়ি যে এরকম ঘটনা, পুলিশকে প্রশাসনকে জানায় বিষয়টা, পুলিশ আসে এসে পরে দেখে যায়, সমস্ত কিছু লিখে নিয়ে যায়, এবং আপনাদের মাধ্যমে বার্তা রইল যে মায়ের যে সমস্ত আভূষণগুলো ছিল সেই আভূষণের আমি ফটো এখানে পাঠিয়ে দেবো। তো সংবাদপত্রের মাধ্যমে যেখানে যেখানে এই জিনিসগুলো যায়, ফটোগুলো যায়, ভিডিওগুলো, কোনোরকম সোনার দোকানদার বা এইসব জিনিস যদি কেউ বিক্রি করতে আসে তো তৎক্ষণাৎ আপনারা পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিন এইসব জিনিসগুলো, যাতে আমাদের মায়ের জিনিসপত্রগুলো পুনরুদ্ধার হয়। এবং এই এলাকাটা নিয়ে পরে দীর্ঘদিনের একটা কমপ্লেন আছে এলাকাবাসীর যে এই এলাকার মধ্যে দিয়ে বাইরের লোকেরা খুব বেশি আসা যাওয়া করে, যাদের এখানে কোনোরকম কাজকর্মের কোনো প্রয়োজন নেই বা তাদের এখানে বাসস্থানও নেই, এবং সামনে একটা মাঠ আছে সেই মাঠটাতে মানে বিভিন্ন ধরনের যারা সমাজবিরোধীমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকে তাদের আড্ডা, নেশা ভাঙ এসব জিনিসগুলো করে, প্রতিনিয়ত পাড়ার লোককে ব্যতিব্যস্ত করা হয়, এবং এর আগেও বাড়ির থেকে কয়েকটা বাড়ির থেকে এর আগেও জিনিসপত্র চুরি গেছে, এর আগেও রানীগঞ্জের কয়েকটা মন্দিরে লাগাতার চুরি হচ্ছিলো এবং প্রশাসনের মাধ্যমে জানতে হবে পুলিশের মাধ্যমে যে সেগুলো নাকি উদ্ধার হয়েছে। আশা করছি যে পুলিশ প্রশাসনের তৎপরতায় আমাদের মায়ের মন্দিরের সমস্ত আভূষণ উদ্ধার হবে। झारखंड के मैथन ओपी में आज शांति कमेटी की एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक में खास तौर से मुहर्रम के त्यौहार को लेकर बातचीत की गई। मुहर्रम का त्यौहार करीब आ गया है और इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मनाया जाए इसे लेकर मंत्रणा की गई, और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे इग्यारकुंड प्रखंड के BDO विनोद कर्मकार और उनके साथ थे इलाके के SDPO पीताम्बर सिंह। इन दोनों अधिकारियों ने अध्यक्षता की और इन दोनों अधिकारियों ने इलाके के लोगों से बातचीत की और इन्होंने अनुरोध किया कि झारखंड सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उनका पालन किया जाए ताकि इस त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से और सुरक्षित तरीके से मनाया जा सके। यहाँ इस क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग शांति समिति की बैठक में शामिल होते हैं, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज ये तो लेके जो समस्या है और जो भी तरह का विचार विमर्श करना है, इस तरह के यहाँ जुलूस नहीं निकलता है, लेकिन नहीं निकलता ठीक है, अच्छी बात है, ये परंपरा नहीं है। हिंदू त्यौहार में रामनवमी जिस तरह से होता है प्राय लगभग त्यौहार, समस्या थोड़ी मोड़ी ये आती है कि शाम के वक्त कुछ लोग बाइक लेकर डैम पर स्टैंड, वहाँ थोड़ा सा अगर पेट्रोलिंग रहे तो वो सब ना हो, एक्सीडेंट ना हो, दुर्घटना ना हो। यदि ये एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो फिर आप लोग का कानूनी कार्रवाई जो है मुझे संबंधित है। बैठक हुई है मुहर्रम को लेकर, मनसा पूजा है उसको लेकर, यहाँ पर वैसा कोई विशेष नहीं है सर, जो मनाते हैं उन समुदाय विशेष के लोग आए थे, उन लोगों के द्वारा बताया गया कि मैथन क्षेत्र में तैयार नहीं निकल, हम लोग विचार कर रहे हैं जल्द समस्याओं का हम लोग निपटारा करेंगे। सर प्रशासन की ओर से क्या तैयारी? प्रशासन की ओर से तैयारी रहेगी, जो भी अगर किसी तरह का अफवाह होता है उस पर नजर रखे हुए हम लोग की गश्ती पेट्रोलिंग और जहाँ भी संभावित वैसे जगह है जगह हम लोग निगरानी रखेंगे, किसी प्रकार का घटना ना हो, किसी प्रकार सब शांतिपूर्वक रहें और अच्छे से अपने त्यौहार मनाएं।
प्राथमिक शिक्षक संघ पश्चिम बंगाल की तरफ से आज एक ज्ञापन सौंपा गया कुलटी विधानसभा क्षेत्र में, जो स्कूल विभाग के शिक्षा विभाग के एसआई हैं उनके कार्यालय को एक ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपते हुए 5 सूत्री मांगों का उल्लेख किया गया। इनका कहना है, शिक्षकों का ये कहना है कि इनके परिचय पत्र जारी किए जाए, सर्विस बुक दिए जाए। इन मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन सौंपने वालों का नेतृत्व कर रहे थे रंजीत पासवान, उनके साथ उनके सहयोगी भी थे। हम लोग अपना संगठन का कार्य को पूरा करते 5 सूत्री मांग को लेकर के साहेब के बीच में ये रखे, और हमारे साहेब ने ये 5 सूत्री मांग में जो इनका अंगिका था सर्विस को वगैरह जो है, इसमें बहुत बाखूबी उन्होंने कहे कि हम इसको समय पाते ही जरूर निराकरण करें। और आइडेंटिटी कार्ड का जो बात है वो तो ऊपर का बात है, उसमें भी एक्सेप्ट किए, ये फॉरवर्ड होगा। दूसरी बात, हम लोग का एक स्टंप का बात था, वो स्टंप वाला भी जो है उसका भी रेक्टिफाई किया जाएगा साहब की ओर से। वांटेड नॉट वेरीफाइड का जो हम लोग रिसीविंग लेते हैं उसमें किसी तरह का ऑफिस का मेंशन नहीं होता है, वो ठीक किया जाए। और किताब का जो प्रक्रिया है, किताब बच्चों को स्टार्टिंग में मिलता है लेकिन पूर्ण रूप से सभी किताब उपलब्ध नहीं होने के कारण खास करके हिंदी और उर्दू में ये समस्या उत्पन्न होती है। तो इसके विषय में बोले ये साहब ये चिट्ठी लेकर के, और अपना कोशिश करेंगे जो ये राज्य सरकार की बात है साहब को जहाँ तक संभव होगा करेंगे। और अंत में मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से, कुलटी सर्किल का सेक्रेटरी एवं हम जनरल सेक्रेटरी और पश्चिम बर्धमान का भी है संगठन का, क्योंकि हमारे यहाँ पर संगठन के कार्यभार को संभालने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए दायित्व हमको राज्य सरकार ही, राज्य कमेटी ही हमको दिए हैं, तो हम जिला का साथ साथ सर्किल का भी अपना संभालते हैं। और हमारे सर्किल का प्रेसिडेंट अरुण माझी भी उपस्थित हैं, और जिला का जो है प्रेसिडेंट विनोद प्रसाद विश्वकर्मा भी उपस्थित हैं, और विनोद श्रीवास्तव हमारे जिला कमेटी के भी सदस्य हैं और कुलटी के दायित्व में। ये सब हम इसलिए थोड़ा सा प्रकट करते हैं कि हमारे संगठन की ओर से साहेब जब से नया ज्वाइन किए इनके ऊपर हम लोग के संगठन की ओर से बहुत बहुत मेनी मेनी धन्यवाद, क्योंकि जब से साहेब आए हैं किसी तरह के किसी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं की ओर से साहेब का जो है किसी भी प्रकार का जो कोऑपरेशन में है कभी ना का बात नहीं आया। सभी माने अभी तक हम लोग ड्यूटी करके गए हैं, बहुत सारे साहेब आए हैं, इन्हीं साहेब को हम लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पूर्व मेयर और मौजूदा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्तमान चेयरपर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी के बीच वाक युद्ध शुरू हो गया है। कई बातों को लेकर वाक युद्ध शुरू हो गया है। एक तरफ अमरनाथ चैटर्जी ने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए जितेंद्र तिवारी पर, वहीं दूसरी तरफ जितेंद्र तिवारी ने भी पलटवार किया। 600 करोड़ रुपए को लेकर के भी बातचीत चली। अमरनाथ चैटर्जी ने ये आरोप लगाया कि 600 करोड़ रुपए बकाया रखकर चले गए जितेंद्र तिवारी, और जितेंद्र तिवारी ने भी पलटवार किया। इनका कहना है कि अमरनाथ चैटर्जी में वो कुवत नहीं है कि वो कल कोलकाता से आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलाके में विकास के लिए पैसे ला सकें, जबकि वह लड़ झगड़ कर वहां से पैसे लेकर आते थे और आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्षेत्र का विकास करवाते थे। আজকে আসানসোলের জনগণ বঞ্চিত ডেভেলপমেন্ট থেকে, আমাকে বকেয়া কর্পোরেশনের বিল পেমেন্ট করার জন্য আমাকে এখন পেমেন্ট করতে হবে 555 কোটি টাকা, যেটা আমাদের প্রাক্তন মেয়র আমরা ডিউস করে দিয়ে চলে গেছে। উনি বলছেন যে রবীন্দ্র ভবন আমি তৈরি করেছি। রবীন্দ্র ভবন তো বামফ্রন্টের আমলে তৈরি হয়েছিল, রবীন্দ্র ভবনের জন্য তো আমরা আন্দোলন করেছিলাম। উনি রিনোভেশন করেছেন, সিটগুলো রিনোভেশন করেছেন, রংটা চেঞ্জ করেছেন, এবং তার জন্য যে টাকা উনি দেখিয়েছেন সেই টাকা হচ্ছে প্রায় 9 কোটি টাকা। 9 কোটি টাকা যদি উনি ওখানে রিনোভেশন না করে, আমরা যেটা ওনাকে বলেছিলাম যে আরেকটা রবীন্দ্র ভবন তৈরি হয়ে যাবে,
ওইটা আমাদের কথা যদি উনি শুনতেন সেদিন তাহলে আরেকটা রবীন্দ্র ভবন হয়ে যেত। আর আরেকটা যেটা সব থেকে বেশি কৌতূহলের ব্যাপার, রবীন্দ্র ভবনের কোনো বকেয়া নেই, এটাই আমরা ইনকোয়ারি করতে আমাদের কাছে চিঠি এসছে যে রবীন্দ্র ভবনের কে কে কাজ করলো, তাদের বকেয়া হলো না, অথচ তার পাশে প্রেস ক্লাবের টাকা বাকি রয়ে গেছে, তার পাশে কফি হাউসের টাকা বাকি রয়ে গেছে 1-2 কোটি টাকা, কফি হাউসের টাকা এখনও পেমেন্ট হলো না রবীন্দ্র ভবনের পাশে, অথচ রবীন্দ্র ভবনের 9 কোটি টাকা পেমেন্ট হয়ে গেল। এর মধ্যে কী কৌতূহল, কী হাস্য রহস্য রয়েছে, আমরা আমাদের থেকে আসানসোলের লোক তো কাজ করেছে, এবার সেই টাকাটা তো আমি এখন ডেভেলপমেন্ট করতে পারতাম। আমাদের যেমন এখন টাকার ফান্ডিংয়ে ফান্ডিং কম আছে, আমার আমলে আমি 29 লক্ষ টাকার কাজ করলাম এই কয়েক মাসের মধ্যে, তার মধ্যে আমি 25 কোটি 34 লক্ষ টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছি, 29 কোটি 90 লক্ষ টাকা কাজ করা হয়েছে, 25 কোটি টাকা পেমেন্ট করে দিয়েছি, 4 কোটি 56 লাখ টাকা বাকি আছে। এবং ওনার আমলে যে কাজ হয়েছে সেই কাজের মধ্যে আমরা প্রায় 12.5 কোটি টাকা আমরা পেমেন্ট করে দিয়েছি লোককে। তো এই 12.5 কোটি টাকা আমি নতুন করে আবার ডেভেলপ করতে পারতাম। আমাকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ফান্ড কম থাকার জন্য আমাকে এডিডিএকে রিকোয়েস্ট করতে হচ্ছে কাজ করার জন্য, আমাকে পিডাব্লিউডিকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে কাজ করার জন্য, ঠিক এখন আমি পেমেন্ট বকেয়া পেমেন্ট দেবো না আমি নতুন কাজ দেবো, আমি এডিডি ভাবছি এখন। তাহলে এই মুহূর্তে কত কোটি টাকা ডিউস বলা যেতে পারে? 600 কোটি টাকা ডিউস হয়েছে। কোথায় মানে কোন বড় কাজে এত কোটি টাকা, বিশাল প্রমাণ পাহাড় টাকা, তো এটা তো আমি বলতে পারবো না, আমরা তো তদন্ত নির্দেশ দিতেই পারেন, কিন্তু উনি ভুলে গেছেন যে এই বিগত বোর্ডে উনি কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং যত কাজ হবে যত সিদ্ধান্ত হতো পৌর নিগমে সবে উনারই সই থাকতো, তো বোর্ড মিটিংয়ে যা সিদ্ধান্ত হবে চেয়ারম্যানের সই ছাড়া তো সে মিনিটস অফ মিটিং বেরোয় না, তো সেটা তো উনি সই করেছেন সবগুলোতে, তো তখন ওনার বুদ্ধি ছিল না। আর কর্পোরেশনে কি কাজ হবে কিভাবে কাজ হবে সবটাই দেখার জন্য সরকারি আধিকারিকরা আছেন, পলিটিক্যাল লোকদের এটা দেখার কাজ নয়, মেয়র চেয়ারম্যান ডেপুটি মেয়র এদের এটা দেখার কাজ নয়, এটার জন্য কমিশনার আছেন ইঞ্জিনিয়ার আছেন, ওনার বুদ্ধি কম আছে কিভাবে। আমি যখন ছিলাম রেভিনিউ জেনারেট করতাম, রেভিনিউ কালেক্ট করতাম, কাজগুলো করতাম, এখন উনি জানেন না, উনি তো জানেন না যে কিভাবে কাজ করতে হয়। আমি লড়াই করতাম ক্যালকাটার সঙ্গে যে অর্থ দিতে হবে, উনি তো উনি যদি ক্যালকাটার সঙ্গে লড়াই করেন ওনার চেয়ারটা চলে যাবে, তো এটাই তো বলেছিলাম যে আসানসোলকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তখন উনি কি বলেছিলেন, না 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 আমাদের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার ডিপার্টমেন্ট আমাদের আসানসোলকে প্রচুর দিচ্ছে, প্রচুর যদি দিচ্ছে তারা কাজ করতে পারছে না কেন, ক্যালকাটায় তো কাজ বন্ধ নেই, ক্যালকাটায় তো কাজ বন্ধ নয়, ক্যালকাটা তো অর্থ পাচ্ছে, তাহলে আপনি পাচ্ছেন না কেন, কারণ আপনি লড়াই করতে পারছেন না, লড়াই করে নিয়ে আসতে হয় আসানসোলকে ভালোবাসতে গেলে লড়াই করে নিয়ে আসতে হয়। আর এসব গল্প বলে লাভ নেই, কারণ অতীতে আগের বোর্ডে যা কিছু হয়েছে সব কিছু উনি চেয়ারম্যান ছিলেন, বোর্ডে যা যা সিদ্ধান্ত হয়েছে সব উনার সইয়ের পরই বোর্ড মিটিংয়ে যে মিনিটস বেরোয় সেটা বেরিয়েছে। তো তদন্ত হলে সব প্রথমে নিজের বিরুদ্ধে তদন্ত করুন, আমি যখন ছিলাম তখন কি করে কাজ হচ্ছিল, এডিডিএ থেকে